मैं इस वक्त शिलोंग के रास्ते पर हूँ, गुवाहाटी शिलोंग रोड। और शिलोंग, जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये मेघालय की राजधानी है, जिसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। और ये सी लेवल से 5000 फीट की हाइट पर है। और मेरे साथ है मेरी अपनी गाड़ी होंडा WRV पेट्रोल, जो मैं पहाड़ी पर भी चलाऊंगा। मैं ऑन द वे हूँ। और जैसे कि कुछ लोग थोड़ा सोच रहे थे कि WRV पेट्रोल जो 1.2 लीटर इंजन के साथ आती है, थोड़ा सा इसमें लैग है, तो ये मैं टेस्ट करूँगा आपके साथ। मैं व्यूज़ शेयर करूँगा कि पहाड़ी पे चलाने में कैसा लगता है, रियली क्या ये अंडर पावर्ड है या नहीं। और कुछ व्यूज़ ऐसे आए थे कि ये नहीं है, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा RPM के साथ और थ्रॉटल इनपुट्स के साथ। और ये मेरे साथ अभी मेरी गाड़ी में चार लोग हम बैठे हुए हैं, तो मैं अभी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ यहाँ से और चेक करेंगे कि कैसी फील होती है WRV पेट्रोल चलाने में पहाड़ी पर। हियर वी गो। बहुत ही खूबसूरत ये रोड है। अब कुछ कंस्ट्रक्शन के काम भी चल रही है यहाँ पे। गाड़ी मेरी फोर्थ गियर पर आ चुकी है और जैसे मैंने पहले बताया 5000 फीट की हाइट पर है और शार्प एजेस भी हैं रोड पर, लेकिन बॉडी रोल जो है मैंने महसूस नहीं किया है कि कुछ खास बॉडी रोल नहीं है। बिल्कुल राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है। और यहाँ तक अभी मैं बिल्कुल मिड वे पहुँच चुका हूँ और शिलोंग बस कुछ ही किलोमीटर्स यहाँ से है, करीब 30 किलोमीटर्स के आसपास। और अब तक मैंने कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं की कि गाड़ी में कोई सेकंड गियर पे थोड़ी सी लैग है। अगर आप बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ जाते हैं, बिल्कुल गाड़ी ठहर जाती है और आप सेकंड गियर पर होते होंगे, बहुत सारे लोगों के कुछ उनको हैबिट होती है कि वो सेकंड गियर से पिकअप लेना शुरू करते हैं। ये देखिए बहुत ख़राब रोड है फिर, लेकिन यहाँ पे पॉट होल्स जो है बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि पॉट होल्स के ऊपर से गाड़ी जा रही है, थैंक्स टू द 16 इंच व्हील्स एंड द ग्राउंड क्लियरेंस एंड द सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप जो है, जो कि कुछ गाड़ियों में हम हार्ड सस्पेंशन देखते हैं जो पॉट होल्स को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो ये मेरे सामने काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, तो मैं भी चल रहा हूँ लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 90 PS की पावर देती है होंडा की iVTEC इंजन। और कुछ इस तरह से रिव्यूज़ आ रहे थे कि होंडा सिटी से डीजल इंजन जो 1.5 iDTEC है, जो 1500 CC का इंजन है, वो WRV में वही इंजन आए हैं डीजल में, लेकिन पेट्रोल वाला जो इंजन है वो होंडा सिटी से नहीं, वो जैज से लिया गया है 1.2 लीटर। हालांकि इसमें पावर डिलीवरी जो है वो ज़्यादा है, 90 PS की है, वो काफ़ी पावर होता है, लेकिन गाड़ी की साइज़ को देखते हुए और उसकी वेट को देखते हुए 1.5 लीटर का इंजन होता तो ज़्यादा बेहतर होता, ये रिव्यूज़ में बोला गया है। मैं भी फील करता हूँ हाँ सही है, पर गाड़ी की प्राइस ज़्यादा हो जाती है उस अगर 1.5 लीटर का इंजन इसमें दिया जाता। ऑलरेडी होंडा की गाड़ियाँ जो है वो थोड़ी सी ओवर प्राइस होती है, होंडा बैच के वजह से या क्वालिटी की वजह से आप बोल मान लीजिए। और ये जो कंपटीशन जो इसका है WRV का, मारुति ब्रेजा, फोर्ड इको स्पोर्ट, नेक्सन, इन गाड़ियों से है, तो ये कंपटीशन से ऑलरेडी ये बाहर चली जाती है अगर 1.5 में 5 लीटर का इंजन देता और प्राइस ज़्यादा होती तो सेल्स में ड्रॉप हो जाता होंडा के लिए। तो होंडा ने थोड़ा सा इसमें सेफली इनको ये किया कि थोड़ा सा मॉडरेटली इंजन को रखा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको थोड़ा सा समय लगता है, वक्त लगता है कि गाड़ी के साथ यूज टू हो जाए और कैसे गियर रेशियो को और थ्रॉटल इनपुट्स को एडजस्ट करके आप उससे पावर एक्सट्रैक्ट कर लें। और वंस यू गेट द पावर, कोई उसमें कोई इशू ही नहीं है, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है और माइलेज भी अच्छी है, ठीक ठाक है गाड़ी के साइज़ को देखते हुए।
और पहाड़ी पे चलाने में इसको कोई बॉडी रोल, तो मैंने पहले भी बता दिया कोई बॉडी रोल नहीं है, ओवरटेकिंग में कोई वो लैग नहीं है। हाँ, आप पहली बार चलाएंगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि दूसरी गाड़ियों के मुकाबले ये थोड़ा सा अलग है, इसका जो पावर डिलीवरी सिस्टम है इसमें थोड़ा सा आपको थ्रॉटल इनपुट्स थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा और टैकोमीटर में थोड़ा सा आरपीएम आपको बढ़ाए रखना पड़ेगा, और कब गियर शिफ्ट करना है धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाएंगे। और शायद इसीलिए बहुत सारे लोगों ने लिखा था रिव्यूज़ में, मैंने पढ़ा है कि हमने कोई लैग फील नहीं किया है। मैंने भी नहीं किया, थोड़ा बहुत है पर बहुत ज़्यादा लैग नहीं है, इट्स बियरेबल। और बाकी जो WRV के फीचर्स और स्पेस जो ये गाड़ी ऑफर करती है, बहुत बढ़िया स्पेस है। मैंने खुद फोर्ड इको स्पोर्ट बुक भी किया था, पर टेस्ट ड्राइव लेने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं होंडा के साथ जाऊं, क्योंकि पेट्रोल, वैसे भी पेट्रोल इंजन जो है फोर्ड से होंडा बहुत ही कंपटीशन में आगे है, क्योंकि IVTEC इंजन को लेजेंड माना जाता है पेट्रोल इंजन के मामले में, जिसने होंडा ब्रांड को एस्टैब्लिश किया है। तो मैंने फोर्ड इको स्पोर्ट, अदरवाइज़ वो बहुत अच्छी गाड़ी है फोर्ड इको स्पोर्ट भी, लेकिन स्पेस के मामले में, क्योंकि इंडियन फैमिलीज जो हैं, इंडियन फैमिली को काफ़ी स्पेस चाहिए, और ये स्पेस अगर कम हो गाड़ी में तो फैमिली कार हम नहीं बोल सकते। मेरी फैमिली भी, बच्चे दो मेरे हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इको स्पोर्ट के साथ नहीं जाऊंगा। और वंस आई टेकन द टेस्ट ड्राइव ऑफ WRV, इमीडिएटली मैंने डिसीजन चेंज कर दिया और मैं आई वेंट फॉर WRV, और इको स्पोर्ट की जो बुकिंग थी वो मैंने कैंसिल करवा दी। सो फ्रेंड्स, ये मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। मैं कोई कार एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस यूज़र ही हूँ। मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जो पेट्रोल के बारे में थोड़ा सा जो स्केप्टिकल थॉट है वो थोड़ा सा आपके माइंड में थोड़ा सा क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।